हम गलतियां कितनी कितनी बड़ी करते हैं और उस गलतियों में से कुछ सीखते हैं फाइनली, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपको अलग अलग टाइप के ऐसे कॉल्स आते होंगे, तो मेरे एक दोस्त को भी ऐसा एक कॉल आया था, आज से 7-8-10 सालों के पहले एक कॉल आया था। पहले आते थे उस दिनों में बहुत आते थे ऐसे फोन, उन दिनों में ऐसे फोन बहुत आते थे कि फोन में ऐसा था, कोई लड़की थी, बोलती है कि सर मैं एक्स वाई जेड कंपनी से बात कर रही हूँ और आपको गुरुवार की शाम को 6-8 एक प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करने के लिए मैंने फोन किया है। हमारी कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उसका प्रेजेंटेशन आपको देना चाहती है, आपको एक्स वाई जेड जगह पे आना है आपकी वाइफ के साथ और आप आएंगे, हम आपको ट्रीट करेंगे, आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा और आपको स्नैक्स और टी कॉफी भी दिया जाएगा और प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद अगर आपको हमारी प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आप उसको बुक कर सकते हो, खरीद सकते हो, इसके लिए आप अपनी चेकबुक भी साथ में लेके आना और अगर नहीं चाहिए तो आप ऐसे जा सकते हो, वापस कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इस टाइप के फोन आपको आए हैं? यस यस सर। एंटरटेनमेंट भी करके जाना उस फोन में, ऐसा बोलते हैं एंटरटेनमेंट करके जाना, मतलब चाय ड्रिंक सब लेके जाना। हाँ हाँ वही वही मैं कहता हूँ कि चाय स्नैक्स वगैरह मिलेगा, ऐसा आप बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं, राइट? ऐसे फोन सबको आए हुए हैं। ओके, कोई गया है? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, किसी ने कुछ वहां पे खरीदा है? नहीं, मतलब आपने उस गलती की कीमत नहीं चुकाई। नहीं, क्योंकि क्योंकि यार क्योंकि एक गलती की कितनी बड़ी कीमत होती है उसका एग्जांपल, मेरा एक फ्रेंड है जिसने की है ये गलती, मैं भी गया हूं ऐसे एक प्रेजेंटेशन में, लेकिन उसने मुझसे पहले गया था इसलिए मेरे कुछ पैसे बचाए उसने, फिर भी मैंने वो चाय समोसा खाया खाली, उसके चाय समोसे की उसने क्या कीमत चुकाई उसकी मैं बात बोलता हूं। तो उसको इनविटेशन मिला, वो गया संतरपुर में कहीं पे प्रेजेंटेशन था, 2 घंटे उसको बताया गया कि हम गोवा में कोई एक रिजॉर्ट बना रहे हैं और उसका मेंबर आपको बनाएंगे और उस मेंबरशिप में आपको आने वाले 99 सालों तक 99 ईयर्स तक हर साल 7 दिन का वेकेशन मिलेगा 5-star गोल्ड क्वालिटी के रिजॉर्ट के अंदर। आपको हर साल 7-7 दिनों का एक एक वीक का ऐसा हॉलीडे मिलेगा, आपके बाद आपके बच्चे, उनके बच्चे 99 ईयर्स तक, मतलब 2-3 जनरेशन तक आपको ये सब सुविधा मिलती रहेगी। और इतना ही नहीं, खाली हमारा गोवा में एक रिजॉर्ट है, इंडिया के और लोकेशन में हमारे रिजॉर्ट आ रहे हैं और इंटरनेशनली 3,500 रिजॉर्ट है, उस एक्सचेंज के हम हिस्सा हैं, तो उस एक्सचेंज के जरिए दुनिया के 3,500 रिजॉर्ट्स के अंदर भी हर साल, अगर आप चाहो तो हर साल दुनिया में किधर भी आप एक एक हफ्ते का हॉलीडे फ्री में ले सकते हो, ऐसी स्कीम है। सुनी हुई होगी इसी टाइप की कोई स्कीम आपने भी? उसने भी सुनी, उसको बहुत अच्छी लगी स्कीम, उसको बताया गया कि एक दिन का भाड़ा ये जो 5-star गोल्ड है उसका 10,000 रुपीज होता है, मतलब 70,000 रुपीज का वर्थ का वैल्यू आपको 99 ईयर्स तक मिलेगा, मतलब कितना हो गया 70 लाख का रिटर्न, बराबर अभी की वैल्यू में देखे तो, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे CSR है यहाँ पे कितना सारा पैसा, बहुत बड़ी वैल्यू है। और मेंबरशिप कितना? ओनली 1,62,000 रुपीज, 1,62,000 रुपया इतनी मेंबरशिप है 99 सालों तक, 5-star गोल्ड, एक एक हफ्ता हॉलीडे, उसमें भी सर 1,62,000 नहीं, अगर आज ही बुकिंग करोगे 31,000 रुपीज डिस्काउंट, 31,000 रुपीज डिस्काउंट अगर आप ही करोगे तो, आज ही करोगे तो 1,31,000 रुपीज डिस्काउंट। वो टीवी पे चैनल आती है ना, वो जो कुछ सेल करते हैं सुबह सुबह, मालूम है शोकेस, उसके जैसा मैं सुन रहा हूँ ना, आपको लगता है ना आज खरीदिए, लिपस्टिक खरीदिए, ये खरीदिए, बेल्ट खरीदिए, 1,31,000 रुपया, मतलब 31,000 रुपीज डिस्काउंट, बहुत अच्छी ऑफर है, लेकिन ये ऑफर आज के लिए है सर, अगर आप यहां से बाहर गए 31,000 रुपीज का ऑफर आउट है। तो ये जो फ्रेंड था वो बोलता है यार तो बहुत अच्छी स्कीम है, 1,62,000 के अंदर भी अगर मिले तो भी अच्छी स्कीम है, तो ये तो 1,31,000 में है, बहुत और भी अच्छी स्कीम है, राइट? सो मुझे मेंबर बनना है, उसने चेक दिया, उसको इतना बताया गया था
कि गोवा में जो हमारा रिसोर्ट है उसको बनने में 2-3 साल लगने वाले हैं, लेकिन बाकी के जो 3,500 रिसोर्ट है दुनिया भर में उसमें आप पहले साल से भी जा सकते हो। वो मेंबर बना और उसका फोटो वोटो सब निकाला, यू नो उन्होंने कि बहुत सारे लोग जो थे वहां पे उन्होंने क्लैपिंग किया, तालियां बजाई, सब कुछ राइट। फिर 4-5 महीनों के बाद वो अपने फैमिली को लेके, अभी गोवा वाला रिसोर्ट चालू नहीं हुआ था तो पहले उसने सोचा पहले इंटरनेशनल टूर करते हैं, तो सब सेटिंग किया, टिकट वगैरह निकलवा रहा है। सिंगापुर का, सिंगापुर एक हफ्ते के लिए पहली टूर सिंगापुर की जाने की उसने प्लानिंग की, कुछ बुकिंग कराया, सब हो गया, पता नहीं बुकिंग तो हो गया, उसको कंफर्मेशन मिला ऐसा, लेकिन खाली बुकिंग हुआ था। सिंगापुर जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो पता चला कि कुछ है नहीं इसमें, ये कोई बुकिंग वैलिड नहीं है, जो बुकिंग का कंफर्मेशन जहां से आया है वो कंफर्मेशन ही वैलिड नहीं है। वो बोलता है आप कोई भी प्रिंटआउट लेके आओगे थोड़ी उसका वैलिड होता है, किसने दिया है, हम लोगों ने कोई बुकिंग की नहीं है। सिंगापुर पहुंचने के बाद उसको पता चला, फैमिली के साथ है, उसको पता चला कि सब कुछ फेक है, ठीक है। फिर जो कुछ भी था क्रेडिट कार्ड के अंदर लिमिट, उस हिसाब से उसने पैसा खर्च करके खुद ही होटल बुक करके जो भी 2-3 दिन वहां पे रह सका रह के वापस आया। और हम बहुत सारे लोगों को उसने बुलाया और बोला कि साहब अगर आपको ऐसा फोन आता है अगर आपको फोन आता है बोलते हैं कि फ्री में आपको नाश्ता मिलेगा, फ्री गिफ्ट भी मिलेगा, गिफ्ट मिला था, ओके कैसरोल मिला था उसको, गिफ्ट मिलेगा और कोई स्कीम में हिस्सा लेना है, ऐसा कोई फोन आए तो मेहरबानी करके उस स्कीम में घुसना मत, क्योंकि 2 समोसे 1 चाय मेरे लिए, 2 समोसे 1 चाय मेरी वाइफ के लिए, इन 4 समोसे 2 चाय के लिए मैंने 1,31,000 रुपया दिया है, आप लोग मत देना। हो सके तो आप समोसा खा गया ना उनके पास से, लेकिन ये मत करना राइट। सो एक एक गलती की हम कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं राइट। अभी ये सारी गलतियां ऐसी हैं जो हमने की हैं। सो आपके पास 2 चॉइस है, जीवन की सारी गलतियां खुद करो और उसकी कीमत चुकाओ, या तो दूसरी चॉइस कि जीवन की सारी गलतियां खुद ना करो और उनकी गलतियों में से सीखो।